कमांडर शंकर राव। बड़ी खबर इस वक्त की बता रही है, 25 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इससे पहले यह आंकड़ा 18 था, लेकिन और भी बढ़ सकती है ये संख्या, और भी बढ़ सकती है। 25 से ज्यादा माओवादी के मारे जाने की खबर है और 25 लाख का इनामी नक्सल कमांडर शंकर राव के मारे जाने की खबर है। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और ऐसे में तीन बड़े चेहरे, तीन बड़े टॉप नक्सल कमांडर मारे गए हैं। शंकर राव पर 25 लाख का इनाम घोषित था, जो कि अब नहीं रहा, वो भी मारा गया। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, हालांकि संख्या और भी बढ़ सकती है। मुठभेड़ में 25 नक्सली ढेर हुए हैं, ललिता समेत तीन बड़े नक्सली कमांडर भी ढेर हुए हैं। टॉप नक्सल कमांडर जो कि शंकर राव है, उस पर 25 लाख का इनाम घोषित था, वो भी मारा गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस पर लगातार न्यूज 18 की नजर बनी हुई है, पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, और भी संख्या बढ़ सकती है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। हमारे रिपोर्टर्स लगातार आप तक जानकारी साझा कर रहे हैं, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं, और इस बीच एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में, जहां शंकर राव जो कि टॉप कमांडर था नक्सलियों का, वो भी मारा गया है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं और श्रीनिवास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या जानकारी आपके पास? अभी 18 से 25 आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? ये बिल्कुल, देखिए अभी 18 माओवादी मारे जाने की पुष्टि है बीएसएफ के अधिकारियों ने की है, और फिलहाल यहाँ पर ये जो अनुमान यही लगाया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ पर सफल मुठभेड़ हुआ है और जिस तरह से हमारे जो सुरक्षा बल के जवानों ने मुंहतोड़ माओवादियों को जो वहाँ पर जवाब दिया है, माओवादियों को मार गिराया है, तो खबर यही है कि 18 से माओवादियों की जो संख्या है, मृत माओवादियों की, उसी संख्या बिल्कुल बढ़ सकती है। हालाँकि चूँकि कनेक्टिविटी की वजह से जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं वो अभी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो असॉल्ट राइफल वहां पर बरामद हुआ है, घातक हथियार जो बरामद हुआ है, उससे साफ अंदाजा लगाया जाता है कि किस तरह से एक बड़ा ऑपरेशन हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन्होंने वहां पर सफल अंजाम उसको दिया है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि यहां पर जो दो घायल जवान की सूचना आ रही थी, तो तीन उस पर एक और जो जवान है वो इस जो मुठभेड़ में घायल हुए हैं, घायल जवानों की संख्या है वो तीन हो गई है। तीनों को एयरलिफ्ट करा करके लाया जा रहा है, हो सकता है अगर उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर हो तो उन्हें रायपुर भी शिफ्ट किया जाएगा निजी अस्पताल में, लेकिन अभी वहां से लाया जा रहा है। और जिन क्षेत्रों में मुठभेड़ चल रहा था, तो पार्टी को जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं उसे निकालना पहली प्रायोरिटीज है, और ताकि कोई और भी हमारे जवान हैं वो हताहत ना हो, तो एक बड़ा मुठभेड़ कहा जा सकता है। और बहुत बड़ा मुठभेड़, और 25 लाख का इनामी भी इसमें मारा गया है, शंकर राव, जिसका नाम बताया जा रहा है, टॉप कमांडर है वो। श्रीनिवास, चुनाव से पहले लाल आतंक पर यह बड़ा प्रहार हम कह सकते हैं। श्रीनिवास, क्या आप तक आवाज आ रही है? जी जी जी। चुनाव से पहले श्रीनिवास, लाल आतंक पर बड़ा प्रहार। जी बिल्कुल, आज सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है, और चुनाव के एन वक्त पहले, क्योंकि 19 अप्रैल को बस्तर में मतदान होना है और 26 अप्रैल को कांकेर में होना है, तो ऐसे में सुरक्षा बलों ने आज बड़ी सफलता हासिल की है और 18 से अधिक माओवादियों को ढेर किया है। क्योंकि माओवादियों की होने की सूचना बीएसएफ के जवानों को थी और उसके बाद ही ऑपरेशन को प्लान किया गया और ऑपरेशन तेज चलाया गया, जिसमें जो कैडर, बड़े कैडर के जो माओवादी हैं वो शामिल थे, उनको ढेर किया है। अभी बस्तर आईजी ने दावा किया है कि माओवादियों की संख्या और बढ़ सकती, चूंकि कोर इलाका है और वहां पर सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनको आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। बता दूं कि जो इलाका है ये महाराष्ट्र को जोड़ता है, अबुजमार को जोड़ता है और बीजापुर को जोड़ता है, तो ऐसे कह सकते हैं जो माओवादी के कैडर एक कोर इलाके में अपने आप को सुरक्षित रखने के हिसाब से रुके वहां मौजूद थे, और इसकी सूचना बीएसएफ के जवानों को लगी और उसके बाद ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 18 से अधिक माओवादियों की मौत हुई है। आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, लेकिन यह है कि इस टीसीओसीओ में
सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि चुनाव का वक्त है। ऐसे में बस्तर पुलिस जो पूरी तरह से अलर्ट है और माओवादियों को जो कोर इलाकों में लगातार दबिश दे रही है और ऑपरेशन चला रही है, तो एक बड़ी सफलता के रूप में आज सेकंड फेज में, जैसा कि आप बता भी रहे श्रीनिवास के कांकेर में चुनाव हो रहे थे, पहला फेज तो बस्तर में होना है, लेकिन कई बार नक्सलियों के डर से दहशत की वजह से वोटर्स घर से बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसे में युगल ये हम कह सकते हैं कि वोट प्रतिशत को बढ़ावा भी मिलेगा इसके बाद, इस मुठभेड़ में 18 से ज्यादा लगभग 25 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जिस तरह से अभी कुछ देर पहले न्यूज एजेंसी से खास बातचीत में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि सतर्कता की जरूरत है। जो पुलिस के आप विजय शर्मा का जिक्र कर रहे हैं, गृह मंत्री ने क्या कहा वो एक बार फिर हम दर्शकों को सुना देते हैं। कांकेर और नारायणपुर के मध्य क्षेत्र में माड़ के आसपास बहुत बड़ी सफलता है, दो अंकों में ऐसे है कि नक्सली मारे गए हैं, इनकी संख्या दो अंकों में हो सकती है, 15 से तो आगे ही है, और बहुत सारा असला भी बरामद हुआ है, SLR है, इंसास है, AK-47 है, ऐसे बहुत सारे आयुध भी बरामद हुए हैं उसमें। ये घोर आतंक फैलाने वाले लोग थे जिनको सुरक्षा बलों ने मार गिराया, आज तक की सबसे बड़ी सफलता होने वाली है। थे आप गृह मंत्री को, विजय शर्मा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो बहुत ही ज्यादा दहशत और आतंक जैसी स्थिति बनाते थे उनका खात्मा हुआ है। आज युगल भी हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीनिवास भी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीनिवास, एक तरह से अगर हम वन लाइन में कहें तो आतंक फैलाने वालों का आज खात्मा हो गया। जी बिल्कुल, जो आतंक का पर्याय बन चुके थे, जो छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए सरदर्द बना हुआ था नक्सल संगठन, अब वो धीरे धीरे खात्मे की ओर है, क्योंकि बस्तर पुलिस और बस्तर जो सरकार है वो एक बिल्कुल अभियान चला रही है कि नक्सलवाद को या खात्मा करे या फिर जो नक्सली के बड़े कैडर है वो सरेंडर करे, क्योंकि नक्सली भी जो सरकार भी लगातार नक्सलियों से वार्ता के लिए पहल कर रही है। ऐसे में ये ऑपरेशन चलाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो नक्सली है अंदरूनी इलाकों में विकास कार्य को बाधा बने थे, ऐसे में जो सुरक्षा वाले उनको बिल्कुल तरह से अलर्ट में रखा गया था, और जो बड़े कैडर की जो मूवमेंट की खबर है वो पल पल जो बड़े अधिकारी है, जो सुरक्षा से जुड़े अधिकारी है उन तक पहुंच रही है, और सुरक्षा जो महकमा है एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है, चूंकि नक्सल संगठन में जो बड़े कैडर है उनके जो मौजूदगी जो बस्तर इलाके दंडकारण्य क्षेत्र इलाके में रहती है, और अबू जुमान उनका सेफ जोन माना जाता है, ऐसे में जो वहां के जो नक्सली कैडर है उनकी मूवमेंट की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी, और जिसके बाद ये बड़ा ऑपरेशन चलाकर 18 से माओवादियों को ढेर कर दिया है, साथ ही कई बड़े हथियार भी बरामद किए हैं। जी युगल, ये जो पूरा चेन है वो टॉप कमांडर से ही जुड़ा रहता था अन्य नक्सलियों का, ऐसे में जब टॉप कमांडर्स ही अब नहीं रहे तो हम कह सकते हैं कि ये चेन भी अब टूट चुका है, और जो लोग दहशत में जीते हैं आसपास के गांवों में अब वो थोड़ा राहत की सांस लेंगे। ये बिल्कुल, देखे कोई भी माओवादी अगर बड़ा माओवादी मारा जाता है तो माओवादी को एक बड़ा डैमेज होता है, लेकिन अलग अलग जोन के अलग अलग कमांडर ये लोग हैं वो अपॉइंट करके रखते हैं, और यही वजह है कि एक माओवादी अगर मरता है तो उसकी जगह दूसरा माओवादी लेने की कोशिश करता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमले हैं वो करने की कोशिश करता है ताकि उसका रैंक है वो बढ़े, उन्हें सुविधाएँ हैं वो ज़्यादा मिले। और देखिए, माओवादी हमेशा आम लोगों की हितों की बात करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी सुविधाएं इनको मिलती है, इनको जो सुरक्षा मिलती है, बड़ा कीडर जब बनने के बाद उन्हें जो फायदा होता है, तो यही वजह है कि नापाक इरादे को अंजाम देने के लिए ये हमारे सुरक्षा बलों को जवान हैं उसे टारगेट करते हैं, उस पर उन्हें जान से मार देते हैं, और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में शहादत होने वाले जवानों की संख्या भी एक वक्त था जब लगातार बढ़ रही थी। अगर हम बस्तर के जो 6 जिले की बात करें, उसके बाद महासमुंद आता है, गरियाबंद है, और साथ ही साथ जो धमतरी है, कवर्धा है, राजनांदगांव है, ये माओवादी इफेक्ट जो जिले हैं, लेकिन अभी भी खात्मे की जरूरत है और ऑपरेशन को बढ़ाने की जरूरत है। और आज जिस तरीके से ये मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में भारी संख्या में नक्सली मारे गए हैं, ये उन लोगों के लिए संदेश भी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही
जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे कमलनाथ तिगर में अमित शाह के पहुंचने की, तो छिंदवाड़ा में अमित शाह का रोड शो थोड़ी ही देर में बस शुरू हो जाएगा। मिशन छिंदवाड़ा पर गृहमंत्री अमित शाह है और फिर आप देखेंगे कि एक लंबी दूरी तय करेंगे अमित शाह रोड शो के जरिए और फिर कई बड़े चौक चौराहे